यहाँ देखो, इतने नहीं निकालो दांत, निकल आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे टूट के। सब कोई कहेगा तो आप कहाँ गए, खाना कैसे खाएगी लड़की। हाँ, नकली दांत बनवाने पड़ेंगे। बढ़िया बढ़िया, दिल में लगाई फिर 32 ही, नहीं, 32 ही दिन में लगा ली, रात में सोते वक्त निकाल दिए, दादी अम्मा लोग वो देखा है। हाँ, इतनी बड़ी बत्ती लगाए रहती है, लगाए दी और हटा दी, लग जाएगी फिर बताना। बब्बा तुमसे नहीं कह रहे हैं, ये बब्बा वाले सब मुंह बना रहा है। आज मुझे कहाँ गई, आज मार कर सनी है, इतना छोड़ गई, नहीं है, देख रही है, निशानी बन चुकी है। तो देखो बी नंबर का करना। हाँ, स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन कौन सा व्यंजन होता है। अरे चालू नहीं किया तो? अरे गधो, 1 नंबर के। यहाँ देखो, स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, स्पर्श मतलब क ख ग घ इंगा च छ ज झ ञ। तो ये टच करते हैं मुंह के भाग को, टच करते हैं। अब जो तुम्हें मिले थे इंगा इया इड़ा ना और मा, पापा बाबा मा, हाँ मा, 5 अक्षर लास्ट के मिले थे ना पांचों लाइनों में, उनको कहते हैं पंचमाक्षर, याद रखना। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन, वहां ये नहीं आएगा का खा का रहा इंगा, वहां ये आएगा कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर कहलाता है पंचमा अक्षर। क्या कहलाता है? पंचमा अक्षर, याद रखना। तो अब आज पढ़ना है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? डंडा उठा रहे हैं, क्लास बंद करेंगे? बंद करनी हो तो बता देना। यहाँ देखो, अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर स्थित व्यंजन, ऐसा समझ लो, अभ्यास करना है। तो स्पर्श वाले में स्पर्श करेगा, इसमें स्थित ही करना है। तो ऐसे व्यंजन जिनका जिनको बोलते समय जीभ है जो अपनी मुंह में किसी भाग में पूरी तरह से टच ना करे, टच को मतलब स्पर्श। क्या होगा तुम लोगों का, भगवान करे तुम्हारा 50-50 नंबर तो आ जाए, बाकी तो ठीक है। 50-50 तो ला ही देना, 50 नहीं मतलब 60-70 ले आ देना, हमारी नाक बच जाए थोड़ी की। 70-70 लाना है, हमारी नाक बचा लो, ठीक है। हाँ, निवेदन है, घर में भी यही निवेदन करके बोल रहे हैं, वीडियो चलेगी, घर वालों को सुना देना, ऐसा नहीं कि बंद कर लो। हाँ, ये तो सही बात है। देखो अच्छी बात, क्योंकि ये पता है अभी जब इंग्लिश हो जाएगी ना, इंग्लिश के बाद हमें पढ़ाना नहीं है कि हम कह देंगे कि ग्रामर करवाना, ग्रामर यही है जो पर्यायवाची वगैरह चल रहे हैं ना। हाँ, बस तुम लोगों जो क्लास वाली ग्रामर होती है वो थोड़ा कम होती है, तो कम कम याद कर लो। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण उच्चारण करते समय जीभ मुंह के
किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श ना करे। और ना ही स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से बाहर ना निकले। तो देखो, इसको समझो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श न करे, पूरी तरह से स्पर्श ना करे। और ना ही स्वरों की तरह, जो स्वर होते हैं वो तो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं ना, जैसे आ, कोई अपनी जीव यहाँ वहां टच हो रही क्या? पाप, जैसे पाप बोला पा, तो हमारी जीभ छुप रही है, पता चल रहा होगा। हमने कहा आओ आओ, तो इसमें जीभ तो साइलेंट है ना, देखो बोल के देख लो। स्वरों की तरह बिल्कुल स्वतंत्र भी ना हो। दूसरी चीज, उनको बोलते समय मुंह के किसी भी भाग में जीभ पूरी तरह से टच ना हो, समझ रहे हो ना, टच यानी स्पर्श होना, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जैसे, अच्छा बोलो या, ऐसा लग रहा है जैसे कि रास्ते में कोई भैंस आ गई हो, वो बोल रही है अम्मा, बोलती नहीं है, कैसे बोलती भैंस, बोल सकते हो? भैंस ही बोलती है, बिल्ली है, बकरी है। पापा को दिखाना, मैं ऐसे बोलते हैं, हम कह रहे भैंस को, भैंस की भाषा आती है किसी को? ठीक है, मतलब हमें पूरा यकीन हो गया यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सब जानवर एक से एक जानवर है ना, हम तो वही इंसान है, हमने कहाँ निकाली है भाई, हमने भी नहीं निकाली। हाँ तुम ही इंसान है, मुबारक हो, नहीं नहीं तुमने तो निकाली है। हाँ तो अब बताओ, देखो जैसे या बोलते हैं, या तो या जो बोलते हैं, जैसे या रा ला वा, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं बोले जाएंगे, और पूरी तरीके से जो हमारी जीव है वो मुंह के किसी भाग को पूरी तरीके से टच ना हो, बिल्कुल हल्का टच हो, जैसे बोल दो देखो यहाँ पे टच होता है, बोलो या, तो कहाँ टच होगा, या ये तालू के, हाँ बिल्कुल हल्का सा माइनर सा गला बिना छुपाए निकाल दो, या बिल्कुल हल्का सा, तो वही तो कह रहा है पूरी तरीके से टच ना हो। अब यहाँ समझ लो, पूरी तरीके से टच ना हो और स्वतंत्र रूप से भी ना निकले, स्वतंत्र रूप से जैसे आ आ ई ई निकलती ना स्वतंत्र रूप से, तो वैसे भी ना हो, तो ऐसे व्यंजन कौन से होंगे, जैसे हम बोलेंगे इनकी इनकी संख्या चार होती है, ये चार ही होते हैं, इनकी संख्या चार होती है, अब वो चार कौन से हैं, तो या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा। इस पर ये व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्ण वाला में, बोलो बोलो, इस पर ये व्यंजन बता जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, कोई बता सकता है इस पर ये व्यंजन, हमने अभी पूछा है, थोड़ी हम धुनक लेते, बेचारे ठंडी आ गई है, गद्दों की तरह धुनक ले, तो जब तो गर्मी आएगी पढ़ने के नाम पे, आगे तो बहुत कुछ है,
पीछे का नहीं बन रहा तो आगे का क्या बनना है यार अलावा। तो इनकी संख्या कितनी है? चार। अब जैसे या रा, रा, ला, वा। अच्छा देखो जो वा बोलते हैं उसमें होंठ की मदद लेते हैं, लेते हैं वा, लेकिन दांत की भी मदद ले रहे हैं। बोलो वा। वा बोलने में जो अपने दांत, ये ऊपर वाली दांत है उसका निचला हिस्सा यहाँ छुप रहा होगा, दे बोलो वा, है ना। तो दांत भी तक छू रहा है होंठ भी, तो इसको केवल वा को बोल रहे हैं हम, केवल वा। दंत प्लस ओष्ठ, तो कौन सा व्यंजन होगा? दंतोष्ठ, हमेशा याद रखना। तो दंतोष्ठ व्यंजन मतलब दंत भी ओष्ठ भी, तो कौन सा? दंतोष्ठ यानी वा, याद रखना। अपर्णा है तीसरा उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, उष्म व्यंजन या उष्मीय व्यंजन, ये नहीं कहते ना कि सर हमारे में तो उष्म व्यंजन आया, तो उष्मीय व्यंजन ये ऊपर वाला रिवाइज करो। देखो उष्मा का मतलब होता है उष्मा, उष्मा का मतलब होता है गर्मी, याद रखना गर्मी। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर उष्मा या फिर गर्म गर्माहट उत्पन्न, ऐसे देखो। देखो हमें तो समझाना है सीधे सीधे, उष्मीय व्यंजन मतलब उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी। गर्मी कैसे आएगी? दो चीजों के रगड़ने से आएगी कि नहीं आएगी? आएगी हाँ। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे ऐसा लगता है कभी कभार कोई जनावर ना ऊपर से गिर जाए, ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इतना याद कर लो, उत्पन्न होती है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमारे मुंह के जो भाग होते हैं वो आपस में रगड़ पैदा करते हैं। रगड़ना तो जानते ही हो, जैसे हमने बोला, अच्छा जैसे हमें का बोलना होगा, का में कोई रगड़ मतलब ऐसा होगा नहीं, वो लेकिन उसकी जगह सा बोलो, सा जोर पड़ रहा ना, सिर्फ सीटी वाला सा बोलो, सा सरोता वाला बोलो, सलजम वाला बोलो, तीनों सिटी वाले बोल रहे हैं। शा, 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 ठीक है। और हा, देखो हा में, देखो हा में क्या होता है, गले में जोर पड़ता है ना, हा। तो ऐसे व्यंजन कितने हैं? चार। फिर होता है देखो, अरे ये सा, ये वाला सा, ये वाला सा और हा। वो हा गला से बोला जाता है हा, लेकिन ये तीनों क्यों कौन से व्यंजन होंगे? उष्मीय। उष्मीय मतलब ऐसे व्यंजन जिनको रगड़ के बोलना पड़ता है, समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत नहीं, रोला है तेरा थोड़ी देर में कुछ आई होगी ना। तो अभी तक ये उच्चारण के आधार पर पढ़ लिए, उच्चारण के आधार पर कितने हैं? तीन हुए ना। कौन कौन से? स्पर्शीय व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और उसमें तीन नंबर गए। अब दूसरा पढ़ना है हमें प्राण के आधार पर, मतलब सांस के अनुसार। ये थे बोलने के आधार पे, कहाँ जाए आज मेहनत कर लो। प्राण के मात्रा के आधार पर, मतलब श्वास की मात्रा के आधार पर। देखो दूसरा पढ़ना है हमें प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर। तो देखो एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में समझ लो थोड़ी से प्राण निकले, महाप्राण में पूरे प्राण निकल जाए, इतना समझना। समझ लो ना, मतलब जिसे बोलने में ज्यादा जोर लगाना पड़े वो महाप्राण, जिसे कम जोर लगाना पड़े उसे अल्प प्राण। जैसे हम बोले क्या बोले, का बोले, जैसे का बोला, का में हमने जोर लगाया, उसी जगह खा बोलो, तो इसमें थोड़ा सा जोर लगा। गा बोलोगे और नहीं लगाया तो घा में लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कहो कि एक छोड़ के एक, देखो देखो किसमें